नमस्ते बच्चों, क्लास इलेवेंथ, विषय हिंदी वीतान। वीतान में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर स्वर साम्राज्य और भारतीय गायिकाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आगे। उसके गातपन यानी उसकी मिठास और सुनने वालों को मस्त कर देती हैं। उसके गाने की विशेषताएं बताई है। इसके लेखक है कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक कुमार गंधर्व। जब कुमार गंधर्व बीमार थे, उन्हीं बीमारी अवस्था में उन्होंने रेडियो पर सुना और वहां से वह मंत्र मुग्ध हो गए। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था यानी कौन बीमार है? लेखक। कौन बीमार है? मैं बीमार था यानी लेखक बीमार है। और उस बीमारी की अवस्था में सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। गायिका का नाम क्या था? लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर के पिताजी की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है अब लेखक ने जहाँ से गाना सुनना शुरू किया वह है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। अब चित्रपट गाना क्या है? गानपन की प्रधानता होती है, चपलता होती है, आधा ताल होता है। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ। देखिए, हर किसी का अपना अपना जमाना रहता है, तो उस समय है ना नूरजहाँ का भी जमाना था। लेकिन नूरजहाँ के जमाने में ही लता मंगेशकर भी आई और गायिका नूरजहाँ का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई सत्ता उससे कहीं आगे निकल गई और लता मंगेशकर उसके बाद में आई, लेकिन वह नूरजहाँ से भी कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारी विलायत खां अपने सितारवादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिका में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं, यानी जिस तरह लता मंगेशकर है उसकी तरह कोई गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत, देखिए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, इन दोनों का कंपेयर करते हैं हम। चित्रपट संगीत की प्रधानता, गानपन की प्रधानता है, उसमें चपलता है और आधा ताल होता है। शास्त्रीय गायन में रागों की प्रधानता होती है, राग की प्रधानता, उसमें गंभीर भाव होते हैं और बिल्कुल परिष्कृत रूप होता है और देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, अब उनको स्वर आ गया, स्वर में ही वे गाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? ये प्रश्न किया है गंधर्व ने कि क्या लता मंगेशकर भी इस तरह बच्चे गुनगुनाते हैं, तो क्या कहीं लता का जादू ही तो नहीं है? कोकिला का स्वर, लता मंगेशकर जो गाती है उसको स्वर को क्या कहा गया? कोकिला का स्वर, यानी उसके
स्वर में जो मिठास है, तो उस मिठास के कारण ही उसको निकनेम दिया गया है कोकिला का स्वर। निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा, ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता यानी बारीकियां, सूक्ष्मता यानी बारीकियां समझ में आने लगी है। उन सबका श्रेय किसको जाता है? लता को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका यानी स्वर ध्वनि मुद्रिका समझ गए क्या होता है? स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। देखिए हम शास्त्रीय संगीत कम पसंद करते हैं, हम चित्रपट संगीत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मिठास है और जब सुनने वाले यानी श्रोता है वह उस गाने में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल यानी तीन ताल यह 16 मात्राओं का होता है। इसमें चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन यानी गाने में मधुरता हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा यानी उनकी मिठास मिलेगी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म कौन सा है? गानपन। लता के गाने की एक और विशेषता, ये गाने की विशेषता है, उसी से ही वह प्रसिद्ध हुई उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उतान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता उसका नादमय उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है।
यानी करुण गाने भी उसने गाए हैं, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। लेखक क्या कह रहे हैं कि नहीं, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि उन्होंने कारुणिक गाने गाए हैं, मेरा अपना मत है। देखिए यहाँ पर लेखक का विचार है, लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय यानी तेज लय, मध्य या द्रुत लय यानी बीच का और तेज गति से गाए जाने वाले राग के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है, संगीत दिग्दर्शक का दोष कितना है। लता का गाना सामान्य तो ऊंची पट्टी में रहता है, गाने में संगीत दिग्दर्शक उसके अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। अब लेखक के मन में एक प्रश्न और भी उठता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजन ही ने बिना उद्देश्य का है। लेखक क्या है कि उसके दिमाग में और लता के बारे में भी कुछ बात याद आ रही है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, तो यहाँ उद्देश्यहीन है ये प्रश्न। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि चित्रपट संगीत की क्या विशेषता है और शास्त्रीय संगीत की। चित्रपट संगीत की विशेषता गानपन की प्रधानता होती है और शास्त्रीय संगीत में रागों की प्रधानता होती है। इसमें यानी चित्रपट संगीत में चपलता होती है तो शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, उसका भाव गंभीर होता है। और चित्रपट संगीत में आधा ताल होता है तो इसमें बिल्कुल साफ सुथरा ताल होता है। ये शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की विशेषता है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का आधा ताल का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच यानी स्वरों का बारीकी को अग्रे स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निह संशय है। 3.5 मिनट के गाए हुए संगीत में। थैंक यू।